झारखंड के साहेबगंज की बात करें तो बाढ़ ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। गंगा के जलस्तर में एकाएक हुई बढ़ोतरी से कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिससे वह इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इससे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के रामपुर दियारा, गरमटोला, रामपुर टोपरा, दियारा पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। इस इलाके के लोग बताते हैं कि गंगा का जलस्तर एकाएक बढ़ने से इलाके का तकरीबन 100 से भी अधिक घर कटाव की भेंट चढ़ गए। उन लोगों को बाढ़ के कारण खाना, पानी, दवा और मवेशियों के चारा का भी किल्लत हो चुका है। आवागमन के लिए भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई नाव उपलब्ध नहीं है। इन इलाकों में राहत के नाम पर अब तक प्रशासन की तरफ से कुछ खास उपलब्धता नहीं कराई गई है। तकरीबन एक माह पूर्व जब गंगा का जलस्तर में बढ़ी हुई थी, उस समय प्रशासन की तरफ से 5 किलो चूड़ा और गुड़ दिया गया था, लेकिन इधर 3-4 दिनों से गंगा के जलस्तर में फिर से एकाएक बढ़ोतरी हुई है, जिससे एक बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो चुकी है। पिछली बार की तुलना में और अधिक है इस बार विकराल रूप इसका, उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। इधर इलाके का भ्रमण करने के बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि साहेबगंज में बाढ़ के हालात भयावह हैं। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी राहत नहीं पहुंचाई गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इलाके में कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक इन लोगों की सुध लेने नहीं आया है। इलाके के लोग अपने वोट से विधायक का और सांसद चुनते हैं, लेकिन ऐसे मुसीबत के समय में शायद कोई भी परिंदा यहाँ पर पर मारने नहीं आता है। देखना यह होगा कि खबर लगने के बाद क्या कोई भी पदाधिकारी या प्रशासन का मुलाजिम इन सभी की सहायता करने आता है या फिर नहीं। देखिए, हमारे साहेबगंज जिला में झारखंड में एक ही वो जिला है जो कि एक ही जिला क्या है, जिला में कुछ प्रखंड है, 3 प्रखंड ही है, 4 प्रखंड आता है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और सुबह से हम निकले हुए अपना क्षेत्र में, क्षेत्र के जनता में भ्रमण करने के लिए, और एक एक जनता से हमने समस्या देखा सुना। बहुत भयावह स्थिति है, स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है, बहुत जगह घर भंस गया। इसे गरमटोला में 50-60 घर भंस गया, 40-50 घर आपका मान के चलिए टोपरा बस्ती में भंस गया। इसे ये जिस जगह पर हम लोग अभी बैठा खड़ा हैं, ये जगह है रामपुर, पुराना रामपुर टोला है, ये पुराना रामपुर टोला है। ये भी इस तरफ से आप देख सकते हैं, उस तरफ से लगभग 60-70 घर उस तरफ से भी कट गया, आप देख सकते हैं उस तरफ से भी कट गया। स्थिति ये है कि ये फूस का घर है, इन लोगों का अपना एक निजी ज़मीन बहुत कम होता है। आपका ज़मीन, हमारा ज़मीन, उनके ज़मीन में लेकर के ठेका पर लेकर के थोड़ा सा भर करके और घर बनाते हैं। तो हमने आप लोग के माध्यम से राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर रामपुर टोपरा के बगल में होदा मौजा एक माने कि है जमीन, हाजी मौजा ऐसे कुछ ज़मीन है, वो ज़मीन कुछ खास बिहार है, मैंने खास ज़मीन है, वो ऊंचा है, इस जगह से ऊंचा है। अगर वहाँ पर 10 इकट्ठा करके इन लोगों को अगर बंदोबस्त कर दिया जाए तो लोग अपना ज़मीन में कम से कम रहेंगे और घर बना कर रह सकते हैं और इतना बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको झूठा केस में जेल फंसा करके 1 साल हमको जेल में रखा गया। 1 साल जेल से छूटने के बाद हम जैसे ही छूटे, हमने आया आप लोग के माध्यम से ही जाना कि क्षेत्र में क्या स्थिति है पानी का। तो पानी का स्थिति बहुत भयावह था आप लोग के माध्यम से। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यहाँ पर एक वार्ड सदस्य से लेकर के MP तक एक प्रतिनिधि इन्होंने गांव वाले ने चुन करके दिए हैं, और कोई भी प्रतिनिधि इनका दुख दर्द देखने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है, एक मानव जाति के लिए दुर्भाग्य की बात है एक तरह से। और यहाँ बहुत सारे समस्या सुने, अभी हम यहाँ से निकलेंगे, DC साहब के पास जाएंगे, DC साहब से पूरा चीज़ का अवगत कराएंगे। सरकार द्वारा जो भी राहत सामग्री इन लोगों को द्वारा दिया गया जाएगा, उनको समूचा लोग को घर घर पहुंचवाया जाएगा। अब पहुंचवा करके और सभी को सरकार अगर कुछ अगर करती है, अगर कहीं से कुछ अगर विफल होती है या कहीं से कुछ अगर देरी होता है, उस स्थिति में हम अपने स्तर से भी सरकार, गाँववासी के लोग, हमारे गाँव का एक अंग है, हमारे एक शक्ति है, इन्हीं लोग के द्वारा इन लोगों ने हमको जिता करके एक चेयर पर बैठाया है, इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है तो हम इन लोगों को विकट घड़ी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। अभी कौन सा काम हो रहा है,
क्या समस्या है? ये हम लोग रामपुर टोकरा हरप्रसाद पंचायत दुर्गा स्थान में हम लोग हैं, और अभी हम लोग बाढ़ से बहुत प्रभावित हैं। बाल बच्चा लेके माल मवेशी लेकर हम लोग बहुत प्रभावित हैं। अभी तक हम लोग के सरकारी तहत से कोई ऐसा मन सुविधा नहीं आई है, और अभी हमारे समाज में घर घर में पानी बहुत हो गई है, और पानी की वजह से हम लोग अपना बाल बच्चा लेकर बहुत प्रभावित हैं। गंगा के उफान से हम लोग तबाही हैं, और माल मवेशी के चारा नहीं है, और हम लोग के जितने भी ग्रामीण हैं उन लोग के मैंने राशन पानी की भी उपलब्ध नहीं है। घर में पानी होने के कारण अब बहुत घर में मैंने खाना नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग प्रभावित हैं। और इसके उपलक्ष्य में अभी तक हम लोग प्रशासन और साहेबगंज से जो भी है वहाँ से कोई सेवा नहीं मिल रहा है, और हम लोग को बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग सबसे ऊपर स्तर के अधिकारियों से हम लोग कहना है कि हम लोग के बड़ा राहत की सामग्री दिया जाए, चारा मवेशी के और डॉक्टर के, मवेशी डॉक्टर को भी व्यवस्था किया जाए, ताकि माल गुरु के भी आदमी को भी बहुत मैंने ऐसे तबाही हो रही है बीमारी से। और नहीं अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला है, अभी तक में कुछ नहीं मिला है। और अगले बाढ़ में अगले पानी में जो हुआ था खाली चूड़ा मिला था, लेकिन अभी जो अगले पानी से बहुत आगे नदी बढ़कर हम लोग के घर को अस्त व्यस्त कर रही है। गंगा माँ के नदी में हम लोग बने पानी में समाये हुए हैं, और अभी तक कोई प्रशासन कोई भी ऐसे आदमी नहीं आए ताकि हमारा समाज को जानकारी ले कि हमारा समाज में क्या हो रहा है। ऐसे हम लोग अभी भयभीत हैं कि अभी गंगा माँ के उफान पानी से हम लोग ग्रस्त हैं, इसमें हम लोग के कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग के राहत मिले और माल में उसी के चारा। नहीं कोई नहीं, नहीं कोई नहीं आए हैं। अभी वर्तमान में हमारे माननीय जिला परिषद सुनील यादव जी उपाध्यक्ष आए हैं, और इनके आने से अनुशंसा हम लोग के मिली है कि हम लोग के हो सकता है कि राहत मिलेगी, और इनके सहारे हम लोग हो सकता है कि माल मवेशी जान माल को रक्षा हो सकता है। तो यही बुलाए हैं, और बुलाने के बाद